बेटा एक बजगत एक कप चाय दे दे। ला रही हूँ। मिट्टी का चाय चाहिए बुढ़िया ने। एक भी दिमाग खराब हो गयो। ए सुबेरे रोटी खाई थी फिर भूख से आ गया ही। पी ले। बढ़िया तो बन गई पर सीढ़ी से गति सीढ़ी होगी। हाँ न पी ले तो अंगूरी बरकाई। हाँ ताई एक कटोरी चिंदी दे दे। चिंदी तो मार भी है ऐसी ऐसे थोड़ी है जा थोड़ी सी मारी ना बहुत ज्यादा है। और करवा चौथ पे सूट लिया ही ना मैं इतना लेकर आई हूँ। कम गया तो बड़ी मात है। काम बढ़िया रहे हैं गांव में। अपने गांव में जो काले गोभी की दुकान है ना। हाँ बहुत बढ़िया सूट लेकर आ रही है कल लेकर आई है। अच्छा मैं अपनी माँ से कहूंगी फिर तू आगे लेकर आओगी वहां। ठीक हाँ ठीक से मारी चीनी पहुंचा दी शाम ने। नहीं तो ले ले ना पहुंचा दिए। ठीक देवत है पर नाक मारा है। सबके बहुत बढ़िया बढ़िया सूट पहना है। इबका तो मैं भी ऐसा लेकर आऊंगी सब मन ही देखेगी ऐसा चमकने वाला सूट लेकर आऊंगी। इबका क्या कही बुढ़िया तो बैठी होगी चाहे तो ठोक ली उन्हें। बढ़िया सूट आ रहे हैं। अच्छा तो मैंने करवा चौथ को सूट दुआ लिया। करवा चौथ को सूट लियागी। हाँ अब तो दोपहर हो रहा है थोड़ी देर में चलता। ओ कुछ ना होगा दुआला ना मैं सिमू आऊंगी भी घनी चीज चप्पल भी लेकर आऊंगी और घनी चीज लेकर आऊंगी। अच्छा इतना टाइम हो लेगो इसको। चल तो मैं अलमारी में तो पैसा काट लाऊं फिर चलना। हाँ निकाल ले इतना घना सारा ले लिए चोखा सा। अच्छी बात जितना सहे सारा ले लू। हाँ मैं बढ़िया सूट लेकर आऊंगी। ऊर्जा के नू मत करिए कि कम का ले ले नू ले ले नू ले ले। मैं तो लेंगी बढ़िया सूट। ठीक से मेरे पे जितना जोड़ उड़ा से सारा ले चलो। हाँ तू खुश रहे पर। हाँ ठीक से अनु कह देगी अगर। हाँ सूट दीवान की मारी चाबी दर के भूलेगी। ले बेटा मिल तो गई। देखूंगी आज कैसे सूट दुआओगी। मैं भी बढ़िया लेकर आऊंगी कती ना पीछा टू बढ़िया लेकर आऊंगी। सारी जमा पूंजी काट दी जितने थे वे। ये बल बारे में चेक कर लूँ कदे रह जाए खुली। मुरी ए मुरी। हाँ माँ आज बेटा ले लिया रुपया। हाँ ले लिया जितना था वे सारा ले लिया। ठीक से चलो तो आ जा। तू काले की बहु दोरी ले चालियो। ठीक से आ जा काले की बहु दोरी ले चालियो। बढ़िया बढ़िया है सारे देख लो। दिखा दिखा दे दिखा ना ये तो बढ़िया बोलना ये भी मोर वाला है इसका ये वर्क है जो चल रहा है ना वो दिखा बढ़िया बढ़िया ईद ये देख ले। करवा चौथ तू भी बोलना कुछ करवा चौथ ताई। हाँ करवा चौथ पर तेरे लाल सूट बढ़िया रहेगा।
खड़ी हो गई ना लाल तो मैंने कढ़ाई कर दिया तो ये कैसा चाहिए मन तो बहुत अच्छा है रोजा बावन गज का दामन ना बावन गज का दामन तो हमें ना पैर का था जो कैसे हो गया ना माँ देख तुमने तो अच्छी है मेरे ऐसे है ना अच्छा ना माँ ना अच्छा तो कौन सा ले रहा है तुम बता दो मन तो वो चाह रहे थे ना जो उसको चिप चोरों से 2.5 लाख को सूट है अच्छी वो हाँ कल ले आई थी मैं अब वो ही दिखा दो हाय सिमे और भी ले रही है कि हाँ ये सिमे और भी है सिमे भी कुछ है हाँ अच्छा खुद तो सिमे को ना क्या सिमे सिमाई ले रहा है ना ये उधर सिमे सिमाई ले रहा है कलाज जो है ये हाँ कि हमारे बहू भी नहीं रहा कलाज जो ही पहरे से यो देख ली कलाज जो को ना माँ मैं तो वो ले मुझे 2.5 लाख का सूट है ग्रैंड 2.5 लाख को देखा वो देख ले एक पीस रह रहा है दो ले आई थी एक कोई और ले थे जी सुबान पूरा खोल कर दिखा कैसे सूट 2.5 लाख सारी मणियां की कीमत है 1000-1000 लगा कर पूरा बढ़ेगा 2.5 लाख का अच्छा ये प्लाजो में भी सारे भाग रहे हैं हीरे मोती यो तो जगह 2.5 लाख का यो ही है कि वो इसकी चुन्नी अपना भी है इसका प्लाजो है ये सारे मणियां मोती हाँ बढ़िया लग गया ये बढ़िया चुन्नी तो पड़ी कितने का है थी यो चांदनी चौक का है चुन्नी हाँ मैंने तो यो बढ़िया लग गया यो बढ़िया लग गया तो यो ले ले चुन्नी तो देख पहले एनसी की से ही मैं फिर सूट तो देख कितना भारी है चुन्नी तो प्लेन आवेगी छुट्टा पे अच्छा चल तेरे जी करे जो ले ले जो तुम अच्छा लगे जो पसंद आओ हाँ मन तो यो ही बढ़िया लग गया ठीक है एक गिलास पानी ले ही मेरे खातर मेरा तो कट सूखगा ला नहीं ये पूरा 2.5 लाख को से बेटी हाँ 2.5 लाख का है जी मेरे को तो पैसा थोड़ा सा क्या करा मैं भी 2.5 लाख देखा आ रही हूँ अच्छा हाँ तो सुन एमएस 2 लाख ठीक से अरे ये और मेरी गुठी धर ले और कम बत्ती हो तो बता दी बत्ती हो तो मेरा दे दिए और सोना की से हमारी बहू ने मत बताई लपोले वो आ जाएगी लो पी लो कई और चाहिए थे माँ अपनी छोरियाँ का भी ले खाते छोरियाँ का फिर ले लेंगे तो करवा चौथ आ रही है तुम तेरा तेरा ले ले ठीक से फिर कदे आ जाएंगे इतने और नया सूट ले आओगी बढ़िया सूट ले लो माँ जी हर खतर ठीक ले ले थाली ले बैठना अंगूरी ऐसा मान में धर के एक गिलास दूध ले दे बेटा मैंने तो आज तो पाए बड़क लाग गई थक गई घनी दूर पैदल चल ली आज तो स्कूट तो के दो अगले का ही है ये भी जीवन आराम रखेगी पी तू भी दूध पी सारो हाँ सामान तो देख लियो देख लियो हाँ देख लियो बाल का लत्ता उत्ता सब्जी सुब्जी का देखे चीज भूल आई वाला लिया वो दुकान पे मैंने वो सूट ऐसा ही दिखे तो वो अंधेरों से कर रखे तू दुकान वाली ने हाँ। तो वो मैंने ढंग तो दिखे को नहीं देख ले मैं लेकर आऊँ हाँ ये वो बड़ी वाली लाइट चस रही है पड़े तो हाँ। और तू ये दिखा दे मेरे तो एक बार अच्छी दाम हाँ। ले देख लो ले ये दूध थोड़ा ताप तो है इतना सीड़ हो जाएगा दिखा के ले आई
ए माँ मेरा सूट कित गयो कित गयो कित गयो हाँ ए वो सूट तो कौन या कित गयो ए वो तो फूगो है फूगो तो कित भूल गया ही तूने ना मेरा वो तो आलू की रेडी पे खू गया या फिर हम टेम्पू में बैठे थे जब तू ना खू गया मने तेरा पल्ली कित गई मने तेर तनु कही थी सारा सामान ने एक जगह गाल लिए ए मने गाल लो तो थो वो फिर कित भूली आई तो ए मा तेरी गुट्ठी कित से मेरी गुट्ठी की मत बुझ जा तू तू तो कति बर्बाद कर दी की बात तने ए गुट्ठी कित गई तेरी ए गुट्ठी तो मैं लत्ता वाली ते दिया ही मैं 2 लाख रुपए लेके गई थी वो 2.5 लाख को सूट तो मैं उतर देख के जब वो सूट लेके आई थी अब वो तो ने 2.5 लाख पानी पिया दियो ए माँ मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी के करा बिराई खो जाई तू तो सूट न पहरे हो ना बात ना जै दिन तो 2.5 लाख 2.5 लाख की जिद कर बैठी थी 1000-2000 का लाती तो निराई सूट पहनती ना कर जो तो मैंने अपनी सारी तो तनखा आई महीने मैंने 2-2.5 हजार रुपया मिले वे जोड़ जोड़ के बुढ़ा का ना तो खोस खोस कर जोड़े करती मैं अपनी बेटियां के भी ना देवे थी मैं तेरी खातर जोड़या था वे बहुत बड़ी गलती होगी मैं तो है ना वो सूट चार्ज नहीं इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख का सूट उन्हें देख देख के मैं भी आज की बार करवा चौथ पर 2.5 लाख को सूट ले आऊंगी ए वो चर्चा चर्चा चल रहा है हमने तो आज तक कहीं कम देखे ना 2.5 लाख अरवान कौन सवा ना फुल्ले की बहू सुबह बोली की बात तू 2.5 लाख को सूट ले आई है मैं भी 2.5 लाख को सूट ले आई थी तू भाई रोई ने चढ़ा दी तू माफ कर दे इमकाग के बाद कहीं का बकाया ना हूं मैं बिट्टी दूसरा का कया में ना चल ले कर दूसरे दुनिया तो चढ़ाने की हुआ करे अपनो घर देख के चालनू चाहिए वो कवावत से बड़ा बुढ़ा की जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए कहीं की ओढ़ ना करे करे आगे तो यह गलती ना होगी इब की बात तो मैंने माफ कर दे इब तो माफ कर ही देऊंगी इब के करूँ गया सबकी में इब तो लूट गया पिट गया और के करा राम सभी को और आप लोग आज का नाटक देख के बताना कैसा लगा और इस वीडियो के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि हमें दूसरों की बात बातों में नहीं आना चाहिए और अपनी हैसियत का हिसाब से चलना चाहिए दूसरों के उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताया करो नाटक कैसा लगे जब तक आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें कैसा पता लगेगा कि हम कैसा बनाते हैं।